नमस्कार आदाब, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे भाजपा के नेताओं को अब भगवान श्री राम की याद सताने लगी है और वो दावा कर रहे हैं कि राम मंदिर जरूर बनेगा। जी हां, आपको बता दें कि ये खबर आई है गाजीपुर से, जहां बलिया के सांसद भरत सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी सांसद भरत सिंह ने कहा है कि पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने। उन्होंने दावा किया है कि बातचीत से अयोध्या मामले का हल न होने पर कानून बनाकर राम मंदिर बनाया जाएगा। गाजीपुर में एक प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी सांसद भरत सिंह ने कहा कि देश हिंदू बाहुल्य है, इसीलिए ही देश में लोकतंत्र बचा हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा है। बीजेपी सांसद ने समान नागरिक संहिता देश में लागू करने की वकालत की। बीजेपी सांसद ने दावा किया कि पीएम मोदी ही देश में समान नागरिक संहिता लागू कर सकते हैं। बीजेपी सांसद ने कहा कि देश में जन्म लेने वाला और रहने वाला हर नागरिक हिंदू है। हम लोग को पूरा भरोसा है, हम सब लोग चाहते हैं, ये पूरा देश चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए और अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, ये हम लोगों का कॉन्फिडेंस है और बातचीत के रास्ते से ही मंदिर बन जाएगा। बातचीत से नहीं बनेगा तो कानून बना करके भी अयोध्या में राम मंदिर बन जाएगा, एक चीज। लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बनाना है, आप ही बताइए, आप लोग, हम लोग बैठे हैं यहाँ पर, ये बताइए, आपको किसी प्रकार का भय है? ऐसा कोई भय है कि कोई पीछे से आएगा और मशीन गन से सनसनाते हुए चला जाएगा? ऐसा कोई भय है? क्योंकि देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, कानून का राज है, इसीलिए भय नहीं है। और जिस दिन लोकतंत्र नहीं रहेगा तब क्या होगा? जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बदल रहा है, बिगड़ रहा है, आबादी हमारे देश में लोकतंत्र क्यों है? सुनिए, लोकतंत्र इसलिए है कि हम हिंदू आबादी बहुलता में तबे लोकतंत्र है। जिस दिन हिंदू यहाँ कम हो जाएंगे लोकतंत्र रहेगा, और लोकतंत्र नहीं रहेगा तब क्या होगा? आप तो मतलब ठीक है, सवाल आप कर लीजिए, लेकिन आप सोचिए आपके बच्चे, आपके नाती पनाती क्या करेंगे? इसलिए इस देश में लोकतंत्र को रखना है तो नहीं, आबादी नहीं बढ़ाना है, आगे मत बोलिए, समान नागरिक संहिता लागू करना है, एक कानून, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे सिख चाहे ईसाई, समान नागरिक संहिता इस देश में लागू करना है। समान नागरिक संहिता कौन लागू करेगा? राहुल गांधी लागू करेंगे कि मायावती लागू करेंगे कि अखिलेश यादव लागू करेंगे? ये मोदी जी ही कानून को लाएंगे। समान नागरिक संहिता लागू करना है इसलिए कि, और राम मंदिर बनाना है, ये सब काम मोदी जी के ही नेतृत्व में हो सकता है, मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है। जो इस देश में जन्मा है रहता है वो सब हिंदू है। आप, हम लोगों को मोदी जी पर भरोसा है, हम लोगों को आदरणीय अमित शाह जी पर भरोसा है और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी पर भरोसा, अपने नेतृत्व पर भरोसा है। इसलिए निश्चित रूप से अयोध्या में राम मंदिर का जो मसला है उसका समाधान मोदी जी के नेतृत्व में चलेगा, ये भरोसा हम लोग को रखना चाहिए। ये मुझे निवेदन करना था, आप सब बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।